हेलो एवरीवन, अगर इस बेरोजगारी के दौर में और पिछले अगर मैं बात करूं कि 7-8 महीने हो चुके हैं, कभी विधानसभा चुनाव कभी लोकसभा चुनाव, इन सब वजहों से अगर परेशान हो रखे हो। कुछ लड़की इसलिए परेशान है, घर वालों ने बोल रखा था बेटा जॉब लग जाएगा तो शादी हो जाएगी, लड़कियां इसलिए परेशान है कि घर वाले बोलते हैं अगर नहीं लगी तो शादी कर देंगे। काश ये कोई लड़कों को बोल दे तो मज़ा ये लगे कि जॉब नहीं लगा तो शादी कर देंगे, टेंशन ही खत्म हो जाएंगे। ये मजाक की बात है, लेकिन हमारी ज़िंदगी मजाक बनी हुई है इस मजाक की बात के अंदर। आप कम से कम साल भर बीतने को आई वैकेंसी का इंतजार करते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। आपको एक ऐसी भर्ती का इंतजार है जो कि अब इंतजार नहीं करवाया जा सकता घर वालों को, और जिसके अंदर आप सिलेक्शन ले सको। और ज़्यादा टाइम नहीं है सर हमारे पास, सिर्फ 4 से 5 महीने मैक्सिमम, ऐसा है कि 5 से 6 महीने। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम घर वाले नहीं दे रहे, अगर आपको कुछ कर गुजरना है ना और अपनी जी जान लगा सकते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशली ये गर्ल्स के लिए बहुत स्पेशल होगी, गर्ल्स के लिए सबसे सेफ जॉब है ये, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। एक और जवाब दे दूं, ये सीईटी से नहीं होगी। आपने सीईटी पास नहीं कर रखी, चाहे नई पुरानी कोई सी भी हो, इसमें सीईटी का कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस एग्ज़ाम को ना RSMSS भी करवाएगा, ना ही आपका RPSC करवाएगा। इस एग्ज़ाम को IBPS करवाता है, लेकिन ये एग्ज़ाम राजस्थान की है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। विदाउट सीईटी बड़ी भर्ती 2024 आवेदन कब से होंगे, ध्यान से समझिएगा। मैं किस वैकेंसी को लेकर के बात कर रहा हूँ उसको समझिएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लाडलो, यहाँ जिसका आप मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के, ठीक है? कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के इसके अंदर ये भर्ती आनी वाली है। कितने पदों के ऊपर आएगी, देखिए ये अक्टूबर 2023 के अंदर ये भर्ती का आवेदन स्टार्ट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका था। कब? अक्टूबर 2023 के अंदर इसमें आवेदन स्टार्ट होने के लिए नोटिफिकेशन आ चुका था, ठीक है? लेकिन उसके बाद में आचार संहिता लगने की वजह से इसको एकदम से कैंसिल कर दिया गया, ठीक है? आचार संहिता की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। अब उसका बेसब्री से इंतजार था, फिर लोकसभा चुनाव आ गए। कितने पदों के ऊपर आएगी तो ध्यान से समझ लीजिएगा, पोस्ट इसके अंदर कितने होगी। पहले आपको 635 के आसपास जो थे वो पद थे, अब बढ़ करके ये 700 के आसपास आएंगे, ठीक है? 700 के आसपास पद देखने को मिलेंगे आपको। कौन कौन सी पोस्ट होगी डिटेल मैंने बना रखी, डिटेल वीडियो का आई बटन पे भी लिंक, और जैसे वीडियो खत्म होगा लास्ट में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल वीडियो के लिए लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, तो जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है? इसके लिए अगर मैं बात करूँ ना लाडलो, एक एक चीज़ को समझ करके चलिएगा। सर इसमें योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता आपको जो चाहिए वो समझ करके चलिएगा। इसमें योग्यता क्या चाहिए सर, तो योग्यता आपको चाहिए स्नातक पास होना चाहिए। कितनी पोस्ट होगी इसमें, 3 से 4 प्रकार की पोस्ट होगी। एक होगी बैंकिंग असिस्टेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा, बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट होगी, ठीक है? जिसे आप क्लर्क बोलते हैं, ठीक है? दूसरी पोस्ट की अगर मैं बात करूँ ना लाडलो, आपका मैनेजर की पोस्ट होगी, ठीक है? मैनेजर। तीसरी पोस्ट जो होगी वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट होगी, सीनियर मैनेजर की पोस्ट होगी। इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आप स्नातक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ आपका स्नातक प्लस एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है? स्नातक प्लस अनुभव भी आपको होना चाहिए, ये चीज़ है। फोर्थ वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ लाडलो, समझ करके चलिएगा, यहाँ पे अगर फोर्थ वैकेंसी की मैं बात करूँ तो वो होगी आपके पास अगर कंप्यूटर की मास्टर डिग्री है, ठीक है? या फिर आपने BCA MCA कर रखा है, ठीक है? या फिर आपने PGDCA कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? ये आपका ये टेक्निकल असिस्टेंट या कंप्यूटर असिस्टेंट की जो है वो आपकी पोस्ट होगी। ये यहाँ पे पोस्ट को अलग नाम दिया जा सकता है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। इस तरीके से आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेगी, ये अलग नाम से भी आपको देखने को मिल सकती है। नहीं बोलो सर, आपने कुछ बताया था, ये 4 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी। ये पूरे चांसेज हैं कि ये 700 के आसपास पोस्टों के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। कितना? 700 के आसपास पोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। सर आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसकी तैयारी कैसे करनी, इसका सिलेबस क्या होता है, पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। जिन बच्चों का देखा हो अच्छी बात है, यहाँ पे ये एक आपका कॉम्बो पैक भी और इसमें सिलेबस भी आपको दिया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। इसके अंदर रीजनिंग आएगी, इसके अंदर राजस्थान GK आएगा, कंप्यूटर आएगा, ठीक है? और यहाँ पे करंट अफेयर आएगा, लेखांकन अकाउंटिंग और कोऑपरेटिव बैंक अधिनियम, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी, जिसका डिटेल सिलेबस वीडियो भी मैंने बना रखा है, जिसका भी आपको नीचे लिंक दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, वो जाके चेक कर लीजिएगा। ये सब्जेक्ट आएंगे और ये कॉम्बो पैकेज की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, मैं वो बता रहा हूँ कि आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आया ना,
नोटिफिकेशन आने के 2 महीने के अंदर अंदर इसकी एग्ज़ाम करवा ली जाएगी, यानी कि ये मान लीजिए दिसंबर तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा, ठीक है। ये कॉम्बो पैक आपको, क्योंकि इसमें रीजनिंग बैंकिंग जो IBPS एग्ज़ाम लेता है उसमें बैंकिंग ही मेन होती है, ये समझ लेना, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए आपकी मर्जी है, लेकिन पैटर्न आपको वही राजस्थान वाले एग्ज़ाम का पकड़ा दिया जाएगा, बाद में पछताओगे। बैंक की एग्जाम में मैथ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बैंक के एग्जाम में रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है, रीजनिंग और करंट अफेयर 2 ही गेम खेलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। सर आपने इसमें मैथ नहीं दी क्या? मैथ के अंदर तो आप 2-3 टॉपिक भी अच्छे से कर लोगे ना, सिंप्लीफिकेशन और DI, ये 2 टॉपिक आपकी नैया पार कर देंगे, और तो एवरेज और ये सारी टॉपिक है नॉर्मल आते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको अलग से बता दी जाएगी। ये कॉम्बो पैक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी मिनिमम प्राइस के अंदर अवेलेबल है। इसकी आपको टेस्ट सीरीज भी, कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी अभी चालू हो चुकी है, मैंने फ्री टेस्ट दे रखा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, फ्री टेस्ट दे रखा है, एक बार वो चेक कर लीजिएगा, बाद में मैं आपको बता रहा हूँ इसकी एग्जाम भी कब हो जाएगी, इसका फ्री टेस्ट दे रखा है, वो जा करके आप चेक कर लीजिएगा, आपको इस चीज़ में नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही ऐप में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर एग्ज़ाम का, इस अदर एग्ज़ाम में आप जैसे ही जाएंगे ना तो आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा कोऑपरेटिव बैंक वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसका फ्री टेस्ट देना चाहते हैं, लिंक मैंने नीचे लिंक दे रखा है, तो टेस्ट सीरीज में जाइएगा और आपको फ्री टेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो आपको कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क मैनेजर की ये जो पोस्ट है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे व्यू डेमो के अंदर अभी आपको यहाँ से शो हो रहा है ये कोऑपरेटिव बैंक का फर्स्ट टेस्ट है, ये आपको फ्री मिल जाएगा। करके एक बार टेस्ट दे करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या स्पेशल चीज़ मिलेगी, ठीक है, एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, तो जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है, ये सिलेबस हो गया। सर इसके आवेदन कब से मांगे जाएंगे वो चीज़ भी बता दीजिए, ठीक है। आवेदन इसके कब से मांगे जाएंगे, इसके आवेदन है वो 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद, ठीक है, 15 जुलाई के बाद इसके आवेदन कभी भी आ सकते हैं, ये मान करके चलिए कि 15 जुलाई के बाद कभी भी आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। जुलाई लास्ट में या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में तो डेफिनेटली हो जाएंगे, लेकिन जुलाई में ही आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सर इसकी एग्ज़ाम कब तक हो जाएगी ये भी समझ लीजिएगा, इसकी जो एग्ज़ाम है 1.5 से 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीने बोल रहा हूँ। अभी देखिए IBPS जिन बैंकिंग के एग्ज़ाम ले रहा है एक एक महीना दे रहा है, तो आप ये समझ करके चलिएगा आप रहेगा उस हिसाब से अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपको इसकी एग्जाम देखने को मिल जाएगी, ये एक पॉसिबिलिटी है, पूरी के पूरे चांसेस हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 20 से 25 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके बाद में डायरेक्टली आपका DV है, ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर आपका DV है। इसके बाद में आपका लास्ट ही मान लीजिए कि नवंबर एंड तक आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये पूरी प्लानिंग करके चलोगे ना तो इसकी तैयारी कीजिए। अब सर लड़कियों के लिए स्पेशल कैसे है, लड़कियों के लिए स्पेशल जो है जहाँ भी आपके ज़िले के अंदर जो आपका सहकारी बैंक है ना उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, तो आप सेफ हैं अपने घर में, जहाँ पे आफ्टर मैरिज भी अगर आप जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जॉब में हैं या जहाँ भी रहते हो तो आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, परिवार के साथ जॉब कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आज यहाँ भटक रहे हो कल यहाँ, आज आपको वार्ड में डाल दिया, आज जैसलमेर, आज कोटा, आज बूंदी, ये लफड़े नहीं हैं। इसलिए अगर प्रॉपर तरीके ऐसी जॉब का इंतजार कर रहे थे ना, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं आप कहीं से भी पढ़िए, मैं एक टीचर हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर के लिए कि उसका स्टूडेंट सक्सेस होना चाहिए, लेकिन मेन ये कि पढ़ना क्या है, क्योंकि इसका पैटर्न है ना लाड लो, ये बहुत अलग पैटर्न है, जो चीज़ें मैंने यहाँ से क्लियर कर रखी है ना वो चीज़ें आप स्पेशली देख करके चलेगा, आपको शॉर्ट एंड स्वीट एक PDF पैटर्न में मिलेगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा, आपको क्या पढ़ना है सिर्फ वही चीज़ें आपको मिलेगी, तो आप प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को देख करके चल सकते हैं, एक एक चीज़ को चेक करते हुए चलेगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7733943243। क्लियर है, आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इंस्टा पर umesh_here, ठीक है, यहाँ से, और नीचे इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो मैं बस इतना कहूँगा आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ चलिएगा, ये मौका फिर से नहीं आएगा। सैलरी भी इसमें बहुत हाई होती है, 70 से 80 हज़ार तक सैलरी होती है स्टार्टिंग के अंदर, आपको थोड़े दिन के बाद में है ना सारे मज़े ही मज़े हैं, इसलिए कह रहा हूँ। और बैंकिंग जॉब के अंदर है ना आपको अलाउंसेज वगैरह सब बेस्ट मिलते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जाके चेक कर लीजिएगा सिलेबस, डिटेल सिलेबस भी, अगर इसका सिलेबस भी चेक करना
चाहते हो तो सिलेबस की पीडीएफ भी आपको कोर्स का लिंक दे रखा है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी क्यूरी हो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पर जरूर रखिएगा। और ये सपना है ना जो आपने देख रखा है ना कि 5 से 6 महीने में ठीक है ये पूरा हो जाए, तो ये सपना पूरा हो सकता है। इस प्लानिंग को, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको सेव कर लेना कि बस इस टाइम पे मेरे को ज्वाइनिंग चाहिए। तभी बोलता हूँ कि प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश्वर के साथ हैं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा एक नई अपडेट के साथ। इसका कोर्स आप प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है। रीजनिंग इसमें लाइव होती है, करंट अफेयर लाइव होगी, बाकी चीज़ें भी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐड हो रखी हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।